खुशी रो, आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। 6 साल की मासूम बच्ची को किडनैप करके 40,000 रुपए में बेचा, गिरफ्तार हुई युवती। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये पूरी लेटेस्ट अपडेट जो कि काफी ज्यादा आप लोगों को हैरान कर देगी। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने झारखंड के रांची से आ रहा है, जहां पर एक्चुअली में रोड साइड पे एक लड़की जो कि एक्चुअली में बहुत ही गरीब परिवार से थी, वो 6 साल की बच्ची अचानक ही गायब हो गई और उन गरीब माँ बाप ने जल्द से जल्द जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमारी बेटी जो है वो गायब हो चुकी है, जिसके कारण पुलिस ने जल्द से जल्द एक्शन लिया और एक्शन लेने के साथ ही वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाला। सीसीटीवी कैमरा में साफ तौर पर पता चला कि दो महिलाएं जो है वो लड़की के पास आती हैं और उसको कुछ बातें बोलती हैं और ऑटो में बिठा के उसको कहीं ले जाती है और ऑटो का नंबर स्कैन करने के बाद ऑटो ड्राइवर से बात की गई और जब बात की गई तब एक्चुअली में युवतियों के घर का पता चला और उस दौरान ही युवतियों को गिरफ्तार किया गया। युवतियों को गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि एक्चुअली में इन दोनों महिलाओं ने 6 साल की बच्ची को बैंगलोर में एक महिला के पास 40,000 रुपए में बेच दिया है और उस दौरान ही इन दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्ची को बैंगलोर जाके एक्चुअली में बैंगलोर जाके उसको पुलिस ने लेके आके उनके माँ बाप को सौंप दिया है और वहां पर जिस महिला ने इस बच्ची को खरीदा था उसको भी गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। और उस महिला ने ये बात बोली कि इन दो महिलाओं ने मुझे 6 साल की बच्ची के बारे में बताया था और ये चीज बताई थी कि इसके माँ बाप कोई नहीं है, ये दुनिया में अकेली है, इसके माँ बाप का निधन हो चुका है, मेरे पास कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए मैंने इसका पालन पोषण करने के लिए अपने पास रख लिया। हालांकि अडॉप्शन के क्या पेपर्स रहते, क्या प्रोसीजर रहता है, मुझे उसके बारे में पता नहीं चला। इन सब चीजों के चलते हुए जो है वो महिला जो बैंगलोर में थी वो भी गिरफ्तार हो चुकी है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये पूरा मामला काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला लगा होगा। अपने बच्चों को ध्यान से रखिए, प्यार से रखिए कि वो अगर बाहर भी जाते हैं तो वो किसी और के साथ कभी भी जाए ना। अगर कोई ये बात भी बोले कि उसके पापा ने बुलाया, क्योंकि मासूम बच्चे बहुत ही ज्यादा मासूम होते हैं कि वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।